सो हेलो गाइस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर से आपके सामने खड़े यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड जो कि जेड टू बेस वेरिएंट रहने वाला है एंड ये आई है हमारी शॉप ऑटोमेटिक कार्गो पे। सो भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि भाई आज की वीडियो में अच्छी खासी मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी। मेनली एक तरीके से बेस टू टॉप यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, क्या कुछ अपग्रेड किया है, अच्छे खास अपग्रेड्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं एंड भाई माइनर जेंट पार्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करें फ्रंट में तो भाई देखो ग्रिल पूरी यहाँ पे अपग्रेड कर दी गई है, टॉप मॉडल ग्रिल आपको मिल जाएगी जो कि आपके सिल्वर स्लॉट के साथ रहने वाली है। छः पीस आपको नीचे मिलेंगे, सातवां पीस यहाँ पे आपको ऊपर मिलने वाला है एंड क्वालिटी आपको जेन्युइन मिलेगी। आप इसमें देख सकते हैं बेजिंग वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल होती है। बाकी बात की जाए भाई नीचे जेन्युइन फॉग लाइट बेजल और वायरिंग के साथ आपको सब कुछ मिलेगा। प्रॉपर कपलर टू कपलर फिनिशिंग मिलेगी एंड सिंपल प्लग एंड प्ले का ऑप्शन आपको मिल जाता है। नीचे देखो भाई अभी ब्लैक स्क्रिप्ट प्लेट आपको दिख रही होगी ब्लैक में एंड ये पूरी रिप्लेस होने वाली है हमारे सिल्वर स्क्रिप्ट प्लेट से जो कि आपके यहाँ पे फुल पैक रहने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पर देखिए सिल्वर, तो भाई ये इंस्टॉल होने वाली है अभी। एंड अगर बात की भाई साइड लाइटिंग वगैरह कुछ जो आई थी ये देखो कुछ ऐसी आई थी प्रॉपर ब्लैक में आई थी जैसे जट्टू में आती है आपकी। बेजल मिरर यहाँ पे निकल चुके हैं एंड इंस्टॉल यहाँ पे हो चुके दूसरे। ठीक है, मिरर आपके सामने वर्किंग मिरर प्रॉपर रहेगी एंड अगर बात की इसके अंदर भाई साइड प्रोफाइल करें तो पूरी देखिए साइड लाइटिंग चेंज कर दी गई है जो कि आपकी टॉप मॉडल में आती है हाफ सिल्वर में। ठीक है, बाकी अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिल जाए 17 इंच 18 इंच जो आपको चाहिए अवेलेबल हम आपको करा देते हैं। अगर 17 में चाहिए तो भाई स्टॉक टायर इंस्टॉल जाएंगे, 18 चाहिए तो भाई 18 के लिए आपको टायर अपग्रेड करवाना पड़ता है। एंड अगर बात की इसमें और क्या कुछ होगा तो भाई इसमें और भी अपग्रेडेशन है जैसे कि यहाँ देख सकते हैं डोर में पूरा डोर खुला हुआ है। तो डोर में ऑप्शन बता दूँ, एक तो इनर हैंडल अपग्रेड कर सकते हैं, स्विच प्लेट हो गई, ग्रैब हैंडल हो गया और साथ ही साथ भाई जो आपके स्विच है वो भी अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद मेन जो है भाई पूरा इंटीरियर चेकआउट कर लो, पूरी गाड़ी खुली हुई है यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी गाड़ी के अंदर इंटीरियर फुल इंटीरियर है और लेदर रैपिंग वगैरह सब कुछ होने वाला है। सीट कवर यहाँ पे चढ़ चुका है जो कि आपके टॉप मॉडल लुक में यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये कुछ आपको लुक मिल जाएगी एंड इसके साथ छत खोल दी गई जो रूफ है यहाँ पे इंस्टॉल होने वाली है टॉप मॉडल वाली। सेकेंडरी बात की जाए भाई इसके फुटर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, देख सकते हैं भाई यहाँ पे पैरा के खड़ा हुआ है एंड क्वालिटी यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाती है, फिटमेंट आपको प्रॉपर मिलेगी। तो ये कुछ अभी काम चल रहा है, बाकी पीछे भी काम चल रहा है अच्छे खासा मिल जाता है आपको। रमी वाइपर वर्किंग वाइपर दोनों अवेलेबल हो जाते हैं, आपको पीछे का बैक कैमरा अवेलेबल हो जाएगा एंड ये देख सकते हैं भाई अभी आपका डमी वाइपर इंस्टॉल किया है। अगर आपको वर्किंग वाइपर चाहिए तो भाई उसके लिए यहाँ पे आपकी मोटर फिक्स की जाती है। ठीक है, मोटर फिक्स हो जाती है जिसके बाद आप प्रॉपर वर्किंग इसी देख सकते हैं और वो काम आपका कपड़े टू कपड़े किया जाता है। बाकी काम चल रहा है, जैसे ही काम कम्प्लीट होता है मैं दिखा दूँ क्या अपग्रेड है, क्या कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। सो गाइस फाइनली सारा काम यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है, आपके सामने जो भाई बेस वेंडर है वो कम्प्लीट रेडी हो चुका है एंड इसके अंदर भाई दिखा दूँ क्या कुछ अपग्रेड है फ्रंट से। जैसे मैंने आपको दिखाया था भाई यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी, छः पीस नीचे सात पीस यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिल जाता है एंड इसके बाद अगर बात किया तो भाई इसके अंदर हेडलाइट के अंदर आपको एलईडी देखने को मिलेगी जो कि आपकी 180 वॉट की रहने वाली है। एंड उसी के साथ बात किया तो भाई नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा DLL जो कि आपका प्रॉपर फॉग लाइट का आता है, जेन्युइन तरीके से लगता है, जेन्युइन प्रॉपर वायरिंग होती है इसकी। ठीक है, कपलर टू कपलर एंड बेजल आपकी फॉग लाइट एंड वायर प्रॉपर कंबाइन करके दिया जाता है। सेकेंडरी बात की जाए भाई इसके अंदर देख सकते हैं पूरी ये कुछ आपकी प्रोफाइल रहने वाली है। एंड अगर बात करें फ्रंट में एक चीज़ और है भाई जो नीचे की तरफ यहाँ पे आपके रहने स्किट पेट जो कि मैंने आपको दिखाई थी भाई कुछ सिल्वर में आपको भी लग रही है, यहाँ पे पहले आई थी ब्लैक में कुछ ऐसा मैट आइटम्स जो आए थे वो से आए थे यहाँ पे एंड जो मिरर आए थे मिरर भी यहाँ पे अपग्रेड कर दिए, सारी चीज़ वापस जाएगी कस्टमर के पास एंड जो यहाँ अपग्रेड किया है साइड में अपग्रेड कर दिया तो आपको ऑटो फोल्ड होने वाले हैं, लॉक करते ही फोल्ड अनलॉक करते ही अनफोल्ड जाएंगे एंड प्रॉपर देख सकते हैं वर्किंग आपको अच्छी मिलेगी एंड टॉप मॉडल जेन्युइन आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ भाई देख सकते हैं अलॉय व्हील 17 इंच के यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं एंड अगर आप 18 में जाना चाहें 18 का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। साइड क्लाइडिंग आपको पूरी मिल जाएगी जेन्युइन जो कि टॉप मॉडल में आती है, सिल्वर क्लाइडिंग देखिए कुछ इस तरीके से एंड भाई नीचे देखो तो ये देखो फुट ट्रैश भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी बात की जाए भाई इसके अंदर और भी चीज़ें हो सकती है जैसे कि अगर आप में 18 इंच का लॉ बता दिया मैंने आपको एंड जो ये क्लाइडिंग देख रहे मैट में ये पूरी आप ग्लॉसी ब्लैक करा सकते हैं। हैंडल की बात की तो भाई हैंडल यहाँ पे देख सकते हैं मैट आते हैं जेड2 में, ये पूरे यहाँ पे हमने ग्लॉसी ब्लैक करे जो कि आपका बॉडी पेंट मैच रहने वाला है। लोअर गार्निश यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है 6 पीस में, दो जो होते हैं इस साइड का रिप्लेस, एक तीसरा पेस्टिंग पीस एंड सेम अपोजिट साइड आपका होता है। बाकी यहाँ पर इस तरह डोबा से लगा है जहाँ पे आपको स्कॉर्पियन की वेजिंग मिल जाती है। ठीक है, एंड ये भाई आपको क्रोम लाइनिंग के साथ मिलता है, इसके साथ साथ ऊपर आपको रूफ रेल देखने को मिल जाएगी जो कि प्रॉपर आपका ड्रिल सिस्टम रहने वाला है। भाई देखो ऊपर चढ़ के, ये देखो भाई ये कुछ आपकी फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, प्रॉपर फिटिंग के साथ है, कोई लीकेज वीकेज नहीं होगी इसके अंदर एंड भाई क्वालिटी इश्यू तो बिल्कुल भी आपका होने नहीं वाला। एंड अगर बात करें सेकेंडरी में और कुछ क्या हुआ है पीछे दिखाता हूँ,
तो भाई पीछे की बात की है तो भाई यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपका डमी वहाँ पे इंस्टॉल किया गया, साथ ही साथ नीचे दिखा दूँ तो भाई कुछ इस तरीके से आपका मैट मतलब क्या था ये, ठीक है। एंड ये रिमूव करके पूरा क्रोम आइटम यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, बम्पर क्रोम जिसे बोलते हैं वो, एंड पीछे की स्किट प्लेट भी यहाँ पे आपकी इंस्टॉल कर दी गई है। तो मतलब काम बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी आपको मिल जाती है। ये कुछ आपका बाहर से काम था, बाकी आपको अंदर लेके चलो दिखा दो अंदर से क्या अपग्रेड है। डोर की बात करें तो भाई यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हमारा सॉफ्ट टच ही आ गया जो कि आपके सामने है। यहाँ पे क्वालिटी बढ़िया, प्रॉपर आपको स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी, देख सकते हैं ये कुछ आपकी स्टिचिंग मिलेगी एंड क्वालिटी इशू आपको बिल्कुल नहीं आने वाले। बाकी इसके अंदर आप भाई इन हैंडल अपग्रेड कर सकते हैं, स्विच प्लेट अपग्रेड कर सकते हैं, स्विचेस अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ग्लॉसी में देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपके सारे स्विच ऑप्शन अवेलेबल आपको मिलता है। ग्रैब हैंडल यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं, तो भाई ऑप्शन आपको हमेशा यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। बाकी जो पूरा ब्राउन पार्ट है अगर आपको इसको भी कस्टमाइज करवाना हो, पेंट करवाना हो, तो वो भी यहाँ पे आप करा सकते हैं। एंड गाइस डैशबोर्ड देखे तो भाई डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको लेदर आप करके दे दिया गया जो कि भाई बहुत प्रीमियम क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। ये देख सकते हैं भाई अच्छा सॉफ्ट टच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो टॉप मॉडल में आता है सेम वैसा, ठीक है। एंड क्वालिटी ऑफ लेदर आपको उससे भी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी इसके अंदर भाई एक चीज़ और है, अगर आप लगवाना चाहे एसी वेंट वगैरह के अंदर हमारे एम्बिएंट लाइट, तो भाई वो भी लगा सकते हो, ऑप्शन आ चुका है 20 पीस के अंदर एम्बिएंट लाइट अवेलेबल जो कि आपका एसी वेंट में होगा, डोर्स में होगा। एंड भाई और डोर्स में क्या होगा, एक तो आपका ग्रैब हैंडल होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको एम्बिएंट देखने को मिल जाती है, तो मतलब अच्छे खासे ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ ऊपर देखते भाई यहाँ पे ए पिलर इंस्टॉल किया गया जो कि प्रॉपर जेन्युइन महिंद्रा का रहने वाला है, प्रॉपर स्क्रू सिस्टम है, प्रॉपर फिट किया जाता है। एंड भाई क्वालिटी जो है जेन्युइनिटी की आपको पता है कितनी अच्छी है महिंद्रा की। बाकी इसके अंदर आपको सिस्टम अपग्रेड करना तो भाई सिस्टम भी यहाँ पे आप अपग्रेड करवा सकते हैं। एंड भाई अगर स्टीरियो की बात करें, स्टीरियो अपग्रेड कर सकते हैं, साथ ही साथ जो आपका फ्रेम है मैट के अंदर ये पूरा आप ग्लॉसी ब्लैक करा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ भाई देख सकते हैं फिनिशिंग दिखाऊँ, ये देखो ये कुछ क्वालिटी आपको मिल जाएगी। लेदर है आपकी क्वालिटी अच्छी है, फिटिंग अच्छी मिलेगी एंड भाई कहीं से भी आपको रिंकल देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंडरी बात मेन जो भाई सीट कवर की बात होती है तो भाई सीट कवर आप चेकआउट कर दीजिए, सीट कवर आपको टॉप मॉडल लुक मिल जाएंगे जिसमें बीच में परफोरेशन आपको देखने को मिलती है। एंड क्वालिटी की वजह से क्वालिटी अच्छी है एंड कंफर्ट देख सकते हैं, कंफर्ट कितना ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो भाई ये तो आपको मिल जाता है, बाकी कस्टमाइजेशन में जहाँ चाहे जिसमें कलर ऑप्शन होते हैं अवेलेबल उसमें जा सकते हैं, डिज़ाइन ऑप्शन होते हैं डिज़ाइन में जा सकते हैं, या फिर आपकी कोई मर्जी आप उसमें भी आप जा सकते हैं। नीचे की तरफ भाई फ्लोरिंग नहीं की बट मैट इंस्टॉल किया गया जो कि आपको प्रॉपर इंटीरियर मैचिंग रहने वाला है, सब कुछ आपके सामने रहेगा एंड भाई ईजी टू क्लीन है। यहाँ पर आपको वेल्क्रो सिस्टम देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू ईजी निकाल के आप साफ कर सकते हैं। एक लास्ट चीज़ भाई ये दिखाऊँ तो भाई आर्म रेस्ट के ऊपर भी यहाँ पे आपका लेदर रैप कर दिया गया जो कि बहुत अच्छी फिटमेंट एंड क्वालिटी के साथ किया गया। और भाई एक और जो भाई स्टेयरिंग का है, स्टेयरिंग के ऊपर आपका स्टेयरिंग रैप देखने को मिल जाएगा एंड ये आपका प्रॉपर मून डिजाइन है। स्टेयरिंग कंट्रोल आपको MID दोनों यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, बाकी ये आपको ग्लॉसी ब्लैक में भी आपको मिल जाते हैं। एंड भाई ये कुछ काम हुआ है, बाकी अगर काम आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना एंड भाई अगर ऐसा कुछ काम चाहिए तो भाई आपको विजिट करना है ओनली ऑन ऑटोमेटिक कार डेकोर करोल बाग़।